चंदन नगर, अ फ्रेंच कॉलोनी इन हार्ट ऑफ बंगाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ चंदन नगर। मैंने ट्रेन ले लिया है हावड़ा से बैंगलोर लोकल एंड अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स लगेगा। आज मैं चंदन नगर के मस्ट विजिट प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो स्टेशन के बाहर ही मुझे ऑटो मिल गया है एंड ये ऑटो मुझे पहुंचाएगा स्ट्रैंड रोड। काफ़ी गर्मी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 40 डिग्री अप है। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड ऑल्सो डू लाइक माई वीडियो। और एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा हम एनर्जी रिचार्ज करते हैं। सो ऑटो आपको इधर पर उतार देगा एंड यू कैन लोकेट दिस बिल्डिंग। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। सो स्टेशन से ऑटो ने लिया ओनली 5 मिनट्स एंड यहाँ पे पहुँचा दिया है। ये रास्ता कुछ काफ़ी ओल्ड सा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है एंड यू कैन सी द ट्रीज हियर। ऑल्सो यहाँ पे बेंचेस लगाए हुए हैं ताकि आप यू नो गंगा का आप व्यू ले सको। एंड यू नो इसी रास्ते में यू नो 1 किलोमीटर इज देयर, सो यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स लाइक म्यूजियम, ऑल्सो द ड्यूप्लेक्स हाउस, चंदन नगर कॉलेज, ऑल आर ओवर हियर इन दिस 1 किलोमीटर एरिया। मेरे पीछे है चंदन नगर सब डिविजनल कोर्ट। इन दिस सी, ये बिल्डिंग बहुत पुराना आर्किटेक्चर है। It's a blend of history, heritage, and cultural richness. This is the Chandanagar College. So this college was established in 1862 and was initially known as St. Mary's. And in memory of Dupleix, this college was known as Dupleix College. And after the independence, this college was known as Chandanagar College. And the great revolutionary Raj Bihari Bose had studied from this college and the principal Charu Chandra Roy had inspired him to participate in the revolutionary activities. And you know, Raj Bihari Bose ne hi plan kiya tha ki Lord Hardin ko wo you know bomb blast se uda denge. British tried their best to catch him but they could not. He escaped to Japan and he established Azad Hind Fauj. So Dupleix Museum jo hai wo Chandanagar College ke peeche hi hai and ye rasta hai. बट वो सैटरडे एंड संडे ही खुला रहता है। सो आज ट्यूजडे है सो इट इज क्लोज, बट आई विल गो टू द अनदर म्यूजियम। एंड दिस इज चंदननगर स्ट्रैंड, इट्स ऑन द रिवर हुगली। परमिशन वाज टेकन फ्रॉम द देन नवाब ऑफ बंगाल इब्राहिम खान। Joseph Francois Dupleix was appointed as Governor General. In 1673, Chandanagar was established as a French colony. And this is a must visit place in Chandanagar. And this is the Dupleix Palace. So French East India Company ke jo governor the, wo the Dupleix. Yahan par wo rehte the. This is the Dupleix House, who was a former Governor General of French East India Company. And now this has been turned into a museum. So the ticket price is 5 rupees and it is also maintained by Archaeological Survey of India. And camera आप अंदर नहीं लेके जा सकते, आपको locker में रखना होगा. So I am shooting outside only. Basically Dupleix was a very you know brave and he was a very sharp I would say diplomat, because you know उन्होंने बहुत सारे decisions अच्छे लिए थे. And subsidiary alliance जो first start किया था, actually जो concept है British का है, but जो practice किया था ये Dupleix ने start किया था इस practice को. Dupleix पहले governor थे, पहले European थे जिन्होंने you know kings लोगों को उनके internal matters में interfere करना शुरू कर दिया था. तो ये एक्चुअली उन्होंने सिखाया था. पहले तो यू नो सब ट्रेड ही करना चाहते थे, दे वर ऑल इनटू ट्रेड कि यू नो हम कैसे इंडियन किंग्स को हम पटाए एंड ट्रेड के बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो ले. बट Dupleix ने यू नो स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग द किंग्स. जब चंदननगर उनके अंडर में आया था, ही यूज्ड टू रेसाइड इन दिस ब्यूटीफुल पैलेस, हमारे पैसे के पैलेस उन्होंने बनाए थे. दिस प्लेस ऑल्सो सर्व्स एज फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल. सो बेसिकली Dupleix वॉज अ वेरी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, बट उनका ये प्रॉब्लम था कि वो यू नो बैटल्स में लीड नहीं करते थे, तो वो जो प्लान बनाते थे वो एक्चुअली में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता था. और रॉबर्ट क्लाइव जो उनके ओपोनेंट थे ब्रिटिश आर्मी के, वो यू नो वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे, इसीलिए वो ज़्यादा जीत गए थे. एंड यू नो ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बहुत फेमस आर्मी जनरल्स थे एंड यहाँ पर फ्रेंच में सिर्फ Dupleix ही थे. So I would say ki you know there are many people like 3-4 great personalities on the British side and here it was only Dupleix. That's why you know French lost
mainly in India, and it was only consigned to, you know, Pondicherry and a little bit of Chandanagar. And after the Battle of Plassey, British had captured Chandanagar and they had bombarded this place. So French ne banaye the, bahut sare buildings destroy ho gaye the and only kuch hi bache the. So jab yahan par duplex governor general bane the, to this Chandanagar was a full French colony and it was very prosperous in regards of trade. कुछ ट्रीटीज के बाद फ्रेंच को कुछ पार्ट यहाँ पे दे दिए गए थे एंड आफ्टर 1952 यू नो दिस प्लेस चंदनगर वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. अभी मैं खा रही हूँ घोटी गरम, बंगाल की बहुत फेमस स्ट्रीट फूड एंड ऑफ कोर्स चाय which is very important, and this is Nimbu chai. And Ganga ki view dekhte dekhte main pahunch gayi Potelwadi. And this is Potelwadi, which has been frequently mentioned by Rabindranath Tagore for its exquisite architecture. The lowest floor is submerged under the water, which makes it so unique. हम अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इट बिलोंग्स टू सम जमींदार. बट आई वंडर कि अंडरवाटर हाउस बनाने की पर्पस क्या थी, इट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री. एंड गाइस लुक एट दिस, व्हाट आई सॉ, अ रेनबो, इट्स लुकिंग सो प्रिटी, सो गॉर्जियस. This is Nandu Dulal Temple and this was built by Indra Narayan Chaudhary in 1739. वो एक बहुत बड़े जमींदार थे. And the unique thing about this temple is double slope roof. This is inspired by Bengal temple architecture. Basically, जगदात्री पूजा की शुरुआत इंद्र नारायण चौधरी ने ही की थी. अभी जमाई षष्ठी का टाइम है तो यहाँ पर लगा है मेला और इसमें काफी सारे लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड है. मैं आ चुकी हूँ आइकॉनिक सूर्य कुमार मोदक स्वीट शॉप में. 1810 स्वीट्स इज द मोस्ट ऑथेंटिक पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड कोई भी व्लॉग इसके बिना तो अधूरी ही है. सो दिस इज अ वेरी फेमस स्वीट मोतीचूर एंड यू नो दिस वाज वेरी फेवरेट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर. इस स्वीट को पूरा एक बार में खाया जाता है. सो लेट्स ट्राई इट आउट. इतनी सारी वैरायटी ऑफ स्वीट्स एंड सबके बनाने के प्रोसेस भी डिफरेंट है. बेसिकली यहाँ पर सारे स्वीट्स मिल्क से बनाए जाते हैं. एंड दिस इज द आइकॉनिक जौल भरा संदेश जो यहाँ की एक ट्रेडिशनल स्वीट है. दिस इज अ मस्ट ट्राई स्वीट. এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট, আমাদের হয় 1810 এখন স্টিল রানিং. তো উই আর দি ইনভেন্টার অফ জলভরা সন্দেশ অ্যান্ড আই এম দি ফিফথ জেনারেশন. এখানে সবাইকে আসতে বলছি, আসুন টেস্ট করুন আমাদের মিষ্টি. আজ মে ডিনার করনে ওয়ালি হু জলশ্রী মে হুইচ ইজ আ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ এন্ড Look at this. This is the river side, River Hooghly, and this is the first boat restaurant in West Bengal. So basically, Hooghly River mein Portuguese ka domination hota tha, and this was the main dock which was captured by Portuguese every time. And to you know keep that heritage, to memorize that heritage, the government has taken this initiative. And maine order kiya hai jhal fizi and masala kulcha. So let's try it out. एक अच्छा सा डिनर करने के बाद आई एम गोइंग बैक टू स्टेशन एंड कैचिंग माय ट्रेन एंड गोइंग होम. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू.